Good morning, dear children. This is your third lecture of English literature for class 5. Let's learn something exciting about our new lesson. Our second chapter is Robinson Crusoe, a wonderful story written by Daniel Defoe. So let's learn something about the author first. Daniel Defoe was born in 1660 and passed away in 1730. His father was a butcher. Butcher means jo kasai hote hain, jo gosht kaatte hain. Daniel Defoe worked at a number of trades before he started to write at the age of 40. Number of trades means ke wo different kaam karta tha, businessman bhi tha, likhta bhi tha, journalist bhi tha. जर्नलिस्ट जो सहाफ़ी होते हैं जो न्यूज़ देते हैं. When he was nearly 60, he wrote the story of Robinson Crusoe. It was a great success and has been popular with children ever since. And it is the first great English novel. In this short piece of the book, Robinson Crusoe tells us how he became shipwrecked. Shipwrecked means उनकी शिप कैसे टूट गई थी तूफान में. चलें सुनते हैं रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी. बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लेसन अगेन लेट मी रिमाइंड यू चिल्ड्रन दैट दिस पार्ट ऑफ द लेसन दैट यू आर गोइंग टू लर्न इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द ओरिजिनल बिग नॉवल दैट वॉज रिटन बाय डैनियल डेफो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Robinson says, "We started off on our voyage in a good weather, although it was very hot. After about 12 days, a violent tornado came from the north. The waves rose high and the skies were black and the wind howled through the sails. Two members of the crew washed overboard and after a day or two, the ship began to leak." Robinson कहता है कि हमने हमारा जब सफर स्टार्ट किया उस वक्त काफी अच्छा मौसम था. दिन तो गर्म था लेकिन मौसम काफी अच्छा था. और 12 दिन के बाद क्या हुआ? एक बहुत ही खतरनाक टॉर्नेडो. टॉर्नेडो इज एयर एंड विंड स्टॉर्म, फनल शेप. और वो इतना पावरफुल होता है कि अपने अंदर सारी चीज़ें लपेट लेता है. तो ऐसा ही टॉर्नेडो वो कहाँ देखते हैं? समंदर के अंदर. द वेव्स रोज हाई, और लहरें बहुत ही ज़्यादा ऊंची उठ रही थी उस हवा के तूफान की वजह से. और दो लोग बेचारे जो हमारे क्रू मेंबर थे, जो हमारे साथ कश्ती में सवार थे, वो लोग डूब गए थे पानी में. इतनी तेज़ हवा थी कि वो हवा अपने साथ तूफान उड़ा के उन दो बंदों को अपने साथ लेकर गया था. और उस तूफान की वजह से अब हमारी शिप भी लीक हो गई थी, टूट गई थी. वी चेंज आवर कोर्स एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन, बट द नेक्स्ट डे अ सेकेंड टेरेबल स्टॉर्म अटैक्ड अस. We could see the shore of some unknown land. हालांकि हमने अपना रास्ता भी चेंज कर लिया था और कोशिश कर रहे थे कि उस हरिकेन से हम लोग दूर चले जाएं, लेकिन क्या हुआ? दूसरे ही दिन एक दूसरा हरिकेन आया, एक दूसरा तूफान आया जिसने हमें अपनी लपेट में ले लिया था. और हमारी कोशिश क्या थी कि हम किसी आइलैंड पर कैसे ना कैसे करके पहुंच जाएं, लेकिन उस हवा की वजह से, उस तूफान की वजह से लहरें इतनी ऊंची रेज हो रही थी, प्लस बारिश भी हो रही थी, तो हमें बहुत मुश्किल हो रही थी कि हम अपनी टूटी हुई कश्ती के साथ किनारे तक कैसे पहुंचेंगे. वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड. आवर ओनली होप वाज टू क्लाइंबर ऑन द स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द शोर. और इस तूफान की वजह से हम लोग सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे. और हमारी कोशिश क्या थी कि हम लोग बोट, हमारी जो शिप है उसके ऊपर, जो छोटी बोट्स हैं उसके ऊपर चढ़ जाएं और उसको किसी तरह से समंदर में उतारें उस बोट को, और रो करते हुए, हाथ से चलाते हुए उसको किसी भी आइलैंड या किनारे तक पहुँचा दें. फिर क्या होता है? Four of us managed to get the boat into the sea and we jumped into it. We rowed with all our might, but the waves were very high. We struggled on, but at last a gigantic wave, greater than all the others, hurled into our little boat into the air and it sank beneath us. फिर क्या होता है? हम जो चार लोग बचे थे, हमने बहुत मुश्किल से एक छोटी सी बोट को समंदर के अंदर उतारा और उसके अंदर जंप किया और उसको रो करते हुए कोशिश की
के किनारे पर लेकर जाएं, लेकिन हवा और तूफान और लहरें इतनी जालिम और इतनी तेज थीं कि उन्होंने हमारी बोट को हवा में उछाला उस तूफान ने, और वो बोट भी बिल्कुल ही टूट गई थी। और हमारी नज़रों के सामने ही वो समंदर के अंदर डूब गई। आई एम अ गुड स्विमर एंड फॉर एन आवर एंड हाफ आई बैटल्ड इन दैट स्टॉर्मी सी। आई ट्राई टू रीच द शोर अगैन एंड अगैन। एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड टूअर्ड्स द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड। मेरे बाकी साथी तो बेचारे बच ही नहीं पाए, पता नहीं वो डूब गए, क्या हुआ उनके साथ। मुझे अच्छी स्विमिंग आती थी तो मैं तकरीबन 1.5 घंटे तक स्विम करता रहा और उन लहरों के साथ लड़ाई करता रहा, और आखिरकार मैं किसी किनारे पर पहुंच ही गया था। और जैसे ही मैं उस सैंड के ऊपर गिरा, मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट था, इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वहाँ पर जाके तकरीबन बेहोश हो गया। When I fell on the sand exhausted, I know that lying on the sand would be dangerous. So what I did, I crawled away from the sea as fast as I could and came to some bushes and trees where I could make myself comfortable. And what I did, I quickly climbed on the tree and made myself comfortable between great branches, and there I slept the night as well as I could. फिर मैंने क्या किया, मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैं समंदर के इतना करीब लेटा रहूँगा तो हो सकता है कि कोई और तेज़ लहर आए और फिर से मुझे उठा के समंदर के अंदर फेंक दे। तो मैंने क्या किया, फ़ौरन से दरख्त तलाश किए और उसके ऊपर चढ़ गया और अपने आप को वहाँ पर कंफर्टेबल किया। कोशिश की कि वहाँ पर मुझे नींद आ जाए ताकि कोई एनिमल मुझे हर्ट ना करे, कोई जंगली जानवर आके मुझे ना तंग करे। तो मैंने अपने आप को उन दरख्तों के ऊपर सेट किया और फिर मैं पूरी रात वहीं पर सोता रहा। इन द मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप, द सन वॉज क्वाइट हाई एंड इट वॉज अ क्लियर डे। सो व्हेन ही वोक अप, व्हाट ही सॉ दैट अबाउट अ माइल अवे ही कुड सी हिज शिप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय दैट स्टॉर्म, बट ही कुड सी दैट शिप। So while sitting on the tree, what he did, he decided that after having some water, I must go and bring some valuable items from those ships. Even in that kind of dangerous situation, his mind was working well, and he was keeping his wits high. फिर क्या होता है, जब वो सुबह उठता है तो सूरज फुल निकला हुआ होता है और दूर से उसे अपनी टूटी हुई कश्ती भी नज़र आ रही होती है। तो वो क्या डिसाइड करता है कि मैं नीचे उतरता हूँ दरख्त से, कहीं मीठा पानी तलाश करता हूँ, और वो पानी पीने के बाद मैं जाता हूँ उस शिप में और उसमें जो ज़रूरी सामान है एटलीस्ट वो मैं निकाल कर लेकर आ जाऊँ इस ज़मीन पर। देखा बच्चों आपने, कैसे वो इतनी मुश्किल हालत में भी सब्र से काम ले रहा था और कितना सोच समझ के काम ले रहा था कि जो भी उसका ज़रूरी सामान था उसने पहली फुर्सत में क्या सोचा कि मुझे वो अपना सामान जाकर ले आना चाहिए ताकि वो इस लैंड पर, इस आइलैंड पर मुझे आगे काम आ सके। और वो सुस्ती बिल्कुल भी नहीं करता, वो फौरन ये काम करता है। सो लेट्स सी, वॉज दी रॉबिनसन एबल टू गो बैक टू हिज शिप एंड ब्रिंग बैक हिज वैल्यूएबल आइटम्स। Let's read. So after having water from the stream, I plunged myself into the sea, and after a hard swim, I managed to reach it and discovered a rope hanging over the side. Means I dived into the water, and when I tried to reach hard to that ship, I found out that a rope was hanging, so it helped me to climb on that ship. As you all know that the whole ship was broken and everything was destroyed because of that violent hurricane. Now I knew well that any time the ship is going to sink, so whatever I have to do, I really have to move my hand faster. So what I did, I took that rope and I climbed on the deck of that ship and I started to chop off that mast. And with the help of that mast, what I do, I did made a raft. जैसे ही अगला दिन स्टार्ट हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ौरन डाइव लगाई पानी के अंदर और मैंने फ़ौरन से स्विम करना स्टार्ट किया और शिप के करीब पहुंच गया। जब शिप के करीब पहुंचा
तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक रोप लटक रही है और उस रोप की मदद से मैं शिप के ऊपर चढ़ गया। अब जब शिप पर पहुँचा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ डिस्ट्रॉय हुई हुई थी। उस हरिकेन ने, उस तूफान ने हर चीज़ तबाह की हुई थी और मुझे अच्छी तरह से पता था कि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, किसी भी वक्त ये शिप डूब सकता है, तो मुझे जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाना होगा और अपनी चीज़ें समेटनी होंगी। तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, जो एक बड़ा सा वर्टिकल पोल, मास्ट कहते हैं उसे, वो जो लगा हुआ था उसे मैंने कुल्हाड़ी से चॉप किया और उसकी राफ्ट बनाई। राफ्ट, यू कैन सी दैट इन द पिक्चर। राफ्ट क्यों बनाई उसने, ताकि उसके ऊपर वो अपना सामान रख के आइलैंड पर शिफ्ट कर सके। एंड ही प्रूव टू बी दैट ही वॉज वेरी ब्रेव बॉय, क्योंकि जाहिर है उस बेचारे को सारा काम अकेले जो करना था, तो वो जल्दी जल्दी हाथ चलाता है और वो अपनी वो राफ्ट तैयार कर लेता है। When I was finished making the raft, what I did, I tried to find some of the things that seaman had left on that ship. I found some boxes, they were filled with bread, rice, cheese, sugar, oil. And what I did, I piled all these things and shifted that on the raft. मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठा की, खाने पीने की चीज़ें जो बिल्कुल सही हालत में थी बॉक्सेस के अंदर, ब्रेड थी, चावल थे, चीज़ था, चीनी थी, ऑयल था, इन सारी चीज़ों को जमा किया बॉक्सेस के अंदर और राफ्ट जो बोट मैंने बनाई थी उसके ऊपर शिफ्ट किया, ताकि मैं इसको अपने साथ आइलैंड के ऊपर ले जा सकूं। अब राफ्ट बना तो लेता है वो, लेकिन उतारता कैसे है बच्चों, पता है वो उन्हीं रोप से जो रस्सियाँ बहुत सारी लगी हुई होती हैं शिप के ऊपर, उनसे वो बांधता है और पुली की तरह से आराम से उस राफ्ट को समंदर के अंदर उतारता है। इन फर्स्ट ट्रिप ही कलेक्टेड ऑल द एडिबल फूड आइटम्स। Then the next morning, I woke along the shore and up a little hill. From there, I could see that I'm on an island. उसे कैसे पता चलता है कि वो एक आइलैंड पर है? जब अगली सुबह वो जागता है और चक्कर लगाता है उस आइलैंड का, एक छोटी सी पहाड़ी होती है, तो पहाड़ी के ऊपर आपको पता है ना, जब आप हाइट पर जाते हो तो आपको दूर दूर तक चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो जैसे ही रॉबिन्सन क्रूसो और उस छोटी सी हिल के ऊपर चढ़ता है, तो वहाँ से उसे अंदाज़ा होता है कि ये जो ड्राई लैंड है ये एक आइलैंड है। दैट इज़ ही वॉज स्टक देयर ऑन दैट आइलैंड एंड दैट वॉज सराउंडेड बाय सी। And when I came to know that I am on an island, I really found that I am a prisoner, without a friend, I am left alone. और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो आइलैंड पर है, क्योंकि आइलैंड ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर पहुँचना, बाकी लोगों का पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी आबादी से थोड़ा सा दूर होता है। तो अब उसे अंदाज़ा हो जाता है कि इस आइलैंड पर वो बेचारा अकेला रह गया है। वाई ही वॉज अपसेट, बिकॉज ही हैड फाउंड दैट मैनी ऑफ हिज सीमैन, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु वर विद हिम ऑन दैट शिप हैज़ ड्राउंड, नेचुरली ही इज़ लेफ्ट अलोन ऑन दैट आइलैंड। एंड इवन नेक्स्ट डे ही वेंट बैक टू द शिप टू ब्रिंग सम मोर थिंग्स फ्रॉम दैट शिप। एंड वॉट वर दोज थिंग्स, देर वर सम टूल्स एंड वुड एंड रोप, नेल्स एंड सेल्स एंड सम ऑफ द क्लोथ्स, गन्स एंड एम्यूनेशन। दूसरे दिन भी वो शिप पर जाता है अपना बाकी सामान उठाने के लिए, जो भी ज़रूरी सामान उसे लगता है कि उसे आइलैंड पर काम आ सकता है। कुछ औजार उठा लेता है, कुछ लकड़ी के पीसेस उठाता है, रस्सियाँ उठाता है, और क्या उठाता है, सेल, जो कपड़ा होता है कैनवस का, जिससे शिप के ऊपर लगाते हैं ताकि वो हवा की मदद से आगे मूव करे, वो सेल उठाता है, कीलें उठाता है, गन्स उठाता है, एंड एम्यूनेशन, एम्यूनेशन मीन्स जो बारूद होता है या बुलेट्स होती हैं वो उठाता है अपने साथ दोबारा आइलैंड पर लेकर आने के लिए। Robinson also found some gold and silver coins. They were sparkling with the sunshine, but they were useless for Robinson Crusoe, isn't it? So I came back to the island and I feel the sky was again getting dark. Great clouds rolled up from the west and I saw the ship out at the sea rise and then sink beneath a huge wave.
रॉबिन्सन को सोने के और चांदी के कॉइन्स भी मिलते हैं, लेकिन क्या वो काम के थे रॉबिन्सन के लिए? फिलहाल वो इन कॉइन्स को क्या करता? तो वो अकलमंदी से काम लेता है कि बिला वजह का वज़न अपने साथ नहीं उठाता और सिर्फ जो यूज़फुल आइटम्स होते हैं वो ही अपने साथ आइलैंड के ऊपर लेकर जाता है। और जैसे ही वो ज़रूरी सामान उठा के आइलैंड पर वापस पहुंचता है तो क्या देखता है कि फिर से तूफान आना स्टार्ट हो जाता है और आसमान देखते ही देखते ब्लैक हो जाता है और फिर से लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं और जो शिप ऑलरेडी टूटी हुई थी वो अब पूरी की पूरी डूब जाती है। तो कितना अच्छा काम किया होता है ना रॉबिन्सन क्रूसो ने कि बिल्कुल टाइम से उसने टाइम ही वेस्ट नहीं किया होता और अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें वो उस शिप से जमा करके लेकर आता है। लेकिन अगर थोड़ी सी सुस्ती करता, कहता कि आज नहीं जाऊँगा कल चला जाऊँगा, तो फिर क्या होता, उसे कुछ भी ना मिलता क्योंकि शिप तो डूब जाता। During the next few months, I busied myself in making a house with strong stockade. I used a sail from the ship for a roof and I cut some trunk and made strong stockade to keep wild animals away. And few months passed and I kept on working hard. One day, I set out to explore the world, explore the whole island, and this took 3 days. फिर क्या होता है? अगले कुछ महीनों तक मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया था और अपने लिए घर बनाया, जो लकड़ियाँ मैं लेकर आया था उनको चॉप किया, उनसे स्टॉकेट बनाई। स्टॉकेट मींस बाउंड्री वॉल जैसे बनाई लकड़ी की, यू कैन ऑल्सो सी दैट इन द पिक्चर, ताकि कोई जंगली जानवर आके उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए। और अगले महीनों तक वो बहुत ही मुश्किल मुश्किल काम करता रहा और अपने आप को बिज़ी रखता है, क्योंकि ज़ाहिर से बात है वहाँ पर कोई इंसान तो था नहीं जिससे वो बातें करता। और बिल्कुल अगर फ्री बैठेगा तो वो और ज़्यादा परेशान होगा, और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने आप को मसरूफ़ रखता है, डिफरेंट डिफरेंट कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखता है। फिर एक दिन वो क्या सोचता है कि अब जाके उसे आइलैंड का चक्कर लगाना चाहिए, देखना चाहिए कि इस आइलैंड के ऊपर और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके काम आ सकती हैं। यू नो हाउ मच टाइम इट टुक रॉबिन्सन क्रूसो टू एक्सप्लोर दैट आइलैंड? इट टुक 3 whole days टू एक्सप्लोर दैट आइलैंड। द जर्नी टुक मी 3 days व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड एंड आई फाउंड अ डिलाइट वैली एंड आई ऑल्सो फाउंड वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स एंड आई कलेक्टेड अ क्वान्टिटी ऑफ दैम एंड ब्रिंग दैम बैक टू माई हाउस। वन डे नॉट फार फ्राम माई हाउस आई ऑल्सो फाउंड वाइल्ड गोट्स एंड आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन वैन आई सॉ एट माई फीट अ क्यूट लिटल बेबी गोट। आई पिक्ड अप एंड कैरीड इट होम विद मी। इन फ्यू डेज इट बिकेम टेम विद मी। उस पूरी आइलैंड को एक्सप्लोर करने में, उस आइलैंड के बारे में जानने में कि वहाँ पर क्या क्या हैं, कौन कौन से फ्रूट्स हैं और क्या क्या खाने के लिए वहाँ पर चीज़ें हैं, उसे 3 दिन लग जाते हैं रॉबिन्सन क्रूसो को। और वो 3 दिन तक वहाँ पर घूमता रहता है और उसे क्या क्या मिलता है, वाइल्ड ग्रेप्स मिलते हैं, लाइम्स मिलते हैं और वो बहुत सारी क्वान्टिटी उनको जमा करके अपने साथ घर लेकर आता है उन फ्रूट्स की। और जब वो घर पहुंचता है तो उसे अपने घर से थोड़ी दूर जंगली जो बकरियां होती हैं वो नज़र आती हैं। तो वो चाह रहा होता है कि किसी एक हाथ का शिकार कर ले और शिकार करने वाला होता है तो वो क्या देखता है कि उसके पैरों के आगे ये छोटा सा क्यूट सा बेबी गोट है। तो वो क्या करता है, उस बकरी के बच्चे को उठा के अपने साथ घर लेकर आता है और वो थोड़े ही दिनों में उसे रॉबिन्सन से काफ़ी मानूस हो जाता है, उसका फ्रेंड बन जाता है, फ्रेंड इन द सेंस कि वो टेम एनिमल हो जाता है अब, और रॉबिन्सन को कहीं भी छोड़कर फिर नहीं जाता, वो उसी के साथ रहता है। तो देखा आपने कि रॉबिन्सन कितना होशियार था, वो एक ही जगह पर अपने उसने घर तो बना लिया था लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अब मुझे यहीं डर के एक ही जगह बैठ जाना चाहिए। नहीं, वो जाता है, तलाश करता है, अपने लिए इतनी सारी चीज़ें लेकर आता है और फ़ायदा होता है उसे, ये भी फ़ायदा होता है कि उसे कुछ वाइल्ड गोट्स भी मिल जाती हैं जिसे वो टेम करके बाद में उनसे फ़ायदा उठा सकता है। Days passed, weeks passed, months were gone, and years were also gone, and I was still stuck on that island.
दिन भी गुजर जाते हैं, महीने हो जाते हैं और अब तो साल भी गुजर जाते हैं। इतना टाइम वो बेचारा अकेला उस आइलैंड के ऊपर रह रहा होता है और अब तक तो उसे आइलैंड की तकरीबन हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज हो जाती है, मालूमात हो जाती है कि उस आइलैंड पर क्या क्या है, क्या कैसे उसे जंगली जानवरों से बचना है और कैसे अपनी हिफाजत करनी है, अपने खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करना है, और ये सारे काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखा हुआ होता है उसने। जब एक दो साल गुजर जाते हैं तो फिर वो क्या सोचता है कि अब मुझे फाइनली कोई छोटी सी बोट बना लेनी चाहिए ताकि मैं इस आइलैंड से गुजर के अपनी असली दुनिया में, जो रियल वर्ल्ड है, यहाँ से दूर है, वहाँ पर मुझे जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो क्या करता है, बहुत ही अच्छी लकड़ी चूज़ करता है। आई चूज द वुड केयरफुली एंड कट द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स। टिम्बर कहते हैं लकड़ी को, तो वो बहुत अच्छे दरख्तों की अच्छी वाली लकड़ी चूज़ करता है ताकि उससे कोई मज़बूत कश्ती बना सके, क्योंकि पहले भी बेचारे के साथ हादसा होता है कि उनकी जो शिप होता है वो हरिकेन की वजह से, तूफान की वजह से टूट जाता है। तो अब वो कोशिश करता है कि बहुत अच्छी वाली लकड़ी बनाए और महीनों तक उसके ऊपर काम करता है, उस बोट के ऊपर काम करता है और अपने आप को क्या क्या सिखाता है वहाँ पर आइलैंड के ऊपर, वो क्या क्या सीखता है, डिफरेंट मिट्टी के बर्तन बनाना सीखता है, कॉर्न ग्रो करना सीखता है, चावल ग्रो करना सीखता है, गंदम ग्रो करना सीखता है और ये भी सीखता है कि रोटी कैसे बनाते हैं या डबल रोटी कैसे बनाते हैं। फ्री नहीं बैठता, कोई ना कोई काम करता रहता था ताकि वो मसरूफ़ रहे और परेशान ना हो और अकेला फील ना करे, इसलिए अपने आप को वो बहुत ज़्यादा बिजी रखता है हर काम में। माई लाइफ वॉज हैप्पी ऑन आइलैंड। आई हैड गुड हाउस, प्लेंटी टू ईट, प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, एंड वन डे व्हेन आई वॉज वॉकिंग ऑन द शोर थिंकिंग अबाउट माई होम, सडनली आई सॉ अ फुटप्रिंट। इट वॉज नॉट माइन बट द फुटप्रिंट ऑफ एन अदर मैन। अब चूंकि इतने सारे साल गुजर चुके होते हैं तो रॉबिन्सन को अब अकेला बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता, वो खुश होता है अपनी लाइफ में, उसे मज़ा आ रहा होता है उस आइलैंड पर, उसके पास अच्छा घर होता है, अच्छा खासा खाना होता है खाने खाने के लिए और बहुत सारा काम होता है जो उसे बिज़ी रखता है। और एक दिन क्या कहता है रॉबिन्सन कि जब मैं वहाँ पर टहल रहा था, गुजर रहा था उस आइलैंड के ऊपर, वॉक कर रहा था, तो अचानक मैंने देखा कि मुझे एक फुटप्रिंट नज़र आया, पैरों का निशान नज़र आया और वो पैर मेरा नहीं था। मतलब उस आइलैंड को अब किसी और ने भी एक्सप्लोर किया हुआ होता है, हो सकता है रात के वक्त कोई इंसान उस आइलैंड पर आया हो, तो अब जाके रॉबिन्सन देखेगा कि उस आइलैंड पर उसके अलावा और कौन मौजूद है। सो होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉय दिस स्टोरी एंड यू हैव लव दिस स्टोरी, इज़न्ट इट। This was the wonderful story written by Daniel Defoe. Now, let's learn something about our home assignment. Now, till now, dear children, you must know that this work is to be done in your copy. And for questions, you are going to use your black pointer and answers, you are going to write with your ink pen only. All right? And before you start your lesson, you are going to make a colorful title page by the name of Robinson Crusoe. After that, you are going to write down the word meanings. Can you see these words, 10 words on the screen? These same words are also given in your course book that is on page number 28. You have to copy down these words and word their meaning from page number 22 from the book. And these are fill in the blanks and their answers you can find easily from your lesson. And for that, definitely you are going to read your lesson 2 times or 3 times or maybe more than that. And it will be so easy for you to find these statements. A statement you are going to write with your ink pen and their answer you are going to write with your black pointer. This is just for your fill in the blanks. The instructions for writing the statement with the ink pen is for your fill in the blank. Then comes question and answer. In this question you are going to write with your black pointer and answer you are going to write with your ink pen. Who was Daniel Defoe? Daniel Defoe, kaun tha? How was the weather when Robinson started his voyage? जब रॉबिन्सन ने अपना सफ़र स्टार्ट किया था समंदर में,
उस वक्त मौसम कैसा था? क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच स्टॉर्म अटैक देम एंड फ्रॉम विच डायरेक्शन इट अपीयर्ड, कि उनके ऊपर किस स्टॉर्म ने अटैक किया था, उस स्टॉर्म का नाम क्या था और वो किस डायरेक्शन, किस तरफ से आया था, नॉर्थ से आया था या ईस्ट से आया था या वेस्ट से आया था. सो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द डायरेक्शन. देन योर क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स ही डिड ऑन आइलैंड. आइलैंड के ऊपर रॉबिन्सन क्रूसो क्या करता था, मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए उसने क्या क्या काम सीखे थे, याद होगा ना आपको? चलें देखते हैं कैसे आंसर्स देते हैं आप लोग. I know you are my brilliant students and you can answer all these questions. And then you are going to make sentences of these words. Number one is struggled, means jiddojahed karna. Kis cheez ke liye Robinson ne jaise bahut zyada struggle ki thi. He struggled to swim hard to reach to the island. But this is my sentence, you are not going to copy that. Make new. द नेक्स्ट वर्ड इज़ कलेक्टेड, कोई चीज़ जमा करना. कैरीड, अपने साथ कैरी करना, लेकर जाना. लाइक आई कैरीड अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स. डिलाइटेड मीन्स बींग हैप्पी, खुश होना. डिस्कवर्ड, कोई नई चीज़ ईजाद करना, मालूम करना किसी चीज़ के बारे में, जैसे रॉबिन्सन ने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर की थी आइलैंड पर. लाइम्स डिस्कवर किए थे, ग्रेप्स डिस्कवर किए थे, वाइल्ड गोट्स डिस्कवर की थी. तो आपने क्या डिस्कवर किया है इस क्वारंटीन में? यू आर गोइंग टू मेक वंडरफुल सेंटेंसेस ऑफ दीज फाइव वर्ड्स.